अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो यार अगर आप घर में वेले बैठे हो और इतनी महंगाई के बावजूद कुछ ऑनलाइन अर्न करना चाहते हो लेकिन आपके पास ना कोई स्किल है ना कोई काम है, तो आप करना क्या चाहते हो? आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो और आप जानते हो कि भाई अगर हमारी स्किल नहीं आती तो हम ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकते, तो भाई साहब टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं आपको बताऊंगा कि आप जो ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी स्किल के, और छोटे मोटे काम करके आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ये छोटा सा काम है, बच्चों वाला काम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इतना मुश्किल ना लगे। जाहिर सी बात है, जब मुश्किल नहीं लगेगा आसान लगेगा, और आसान लगेगा तो काम करने में मजा भी आएगा, और जब मजा आएगा तो जाहिर सी बात है जितना मजा ज्यादा आएगा उतने ज्यादा पैसे आएंगे। तो हमने करना क्या, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने जो है सबसे पहले अपना कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना, और वहां पे जाने के बाद हमने जो है चैट जीपीटी पे चले जाना। चैट जीपीटी पे जाके हमने करना क्या वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखे, मैंने आपके सामने जो है चैट जीपीटी ओपन कर लिया है। जहाँ जाहिर सी चैट जीपीटी का किसको नहीं पता, सबको पता है यार कि जो हम इसे बोलेंगे वो करेगा। अब हम इसे बोलेंगे और ये काम करेगा हमारे लिए, और हम वो काम आगे सेल करके पैसे अर्न करेंगे। तो हम जो है फर्स्ट करें यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई साहब बच्चों वाला कौन सा काम जो है वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। ना तो हम कोई पोएट हैं, ना हम जो है वो कोई मुसन्निफ है कि हम जो है वो कोई स्टोरी लिख सकें, तो इसलिए हम चैट जीपीटी की मदद से जो है वो पोएम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने इसे कहा कि भाई मुझे बच्चों वाली एक पोएम लिख के दे दो। अब मैं इसे एंटर करता हूँ और देखता हूँ कि ये मुझे लिख के देता है कि नहीं। तो भाई साहब ये देखो, इसने मुझे पोएम लिख के दे दिया जो कि मैंने पढ़ी नहीं। मैंने क्या करना यार, बड़ा ये है कि अगर आपको इससे आप इसे किसी फर्दर टॉपिक के ऊपर कहेंगे तो वो भी आपको लिख के देगा। फर्ज करते हैं ये हमारे पास एक आ गई है, पोएम है बच्चों वाली। अब हमें पता नहीं, अब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई साहब ये कैसी पोएम है। ठीक है, ये काफ़ी लंबी हो रही है। ठीक है यार, हो गई है। अब उसके बाद हम जो है लिखते हैं यहाँ पे, फर्ज करें हमें जो है ना नेचर के लिहाज से पोएम चाहिए। राइट ए चिल्ड्रन पोएम ऑन नेचर। ठीक है, तो हमने ये भी लिख दिया। अब देखते हैं कि हमें लिख के देता है। तो भाई साहब ये देखें, यहाँ पे भी उसने जो है वो पोएम लिख के दे दिया नेचर के ऊपर। इसके अलावा अगर आप इसे स्टोरी कहें कोई, तो जाहिर सी बात है ये लिख के देगा, क्योंकि इसका काम यही है लिखना, और हमारा काम है इसे कमांड देना, और ये हमारा काम आसान करता जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको पोएम वगैरह हर चीज़ यहाँ पे मिल गई है, और यहाँ पे आप आसानी से बगैर किसी मुश्किल के आप यहाँ पे इसे जो कमांड देंगे वो आप कर देगा। अब मैंने इसे कहा कि मुझे पोएम लिख के दो। अब मैं इस पोएम का करूँगा क्या, जाहिर सी बात है अब मैंने स्कूल में तो जाना नहीं है कि भाई ये देखो पोएम मैंने लिखा है हमसे खरीद लो, कोई ऑनलाइन काम ही ढूंढना पड़ेगा आसान सा। तो भाई मैं आपको ले चलता हूँ फाइवर के ऊपर, और वहाँ पे देखते हैं कि इसके लिहाज से कोई काम है कि नहीं हमारे लिए। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि मैंने फाइवर को कहा भाई अगर चिल्ड्रन पोएम के लिहाज से कोई है आपके पास सर्विस तो हमें बता दो, तो उसने भाई साहब ये देखे मेरे पास एक सर्विस लेके आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है चिल्ड्रन रैमिंग स्टोरीज, मतलब कि यहाँ पे आप स्टोरीज वगैरह पोएम्स वगैरह जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और सर्विसेज आप देख लें, सिर्फ 102 सर्विसेज अवेलेबल हैं, जो कि बहुत ईजी और आसान रहेगा आपके लिए कि आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम नीचे देखते हैं कि भाई साहब ऑर्डर भी लोगों को मिले हैं कि नहीं, ये ना हो कि हम सिर्फ लेके मारे मारे फिरते रहें और लोग मुझसे यार कुछ शिकायत करते हैं कि भाई साहब इतनी आप बता देते हो ऑर्डर मिलते नहीं है। तो भाई साहब मैं आपको बता रहा होता हूँ कि ये देखो ये जो बंदे लगे हुए हैं ये कोई भाई अजूबा तो नहीं है, किसी और सितारे से तो नहीं आए जो आपको ऐसा लग रहा है कि हमें ऑर्डर नहीं मिलते, या फिर आपके गिग बनाने में कोई कसर रह गई होगी जिसकी वजह से आपको ऑर्डर नहीं मिलते। अब देखें ना, इन्होंने इतना अट्रैक्टिव जो है वो गिग प्रोफाइल लगाई होती है कि बंदा देख के कहता है कि यार इसे चेक तो करना चाहिए बंदा कैसा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मेन मतलब अट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं, हो सकता है आपकी प्रोफाइल में ये चीज़ ना हो कि अट्रैक्शन ना हो, तो हो सकता है उसकी वजह से भी आपको ऑर्डर ना मिलते हो। बहरहाल ये एक अलहदा मसला है कि ये आपको ऑर्डर क्यों नहीं मिलते, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ऑर्डर ना मिलते होते तो यहाँ किसी बंदे को ऑर्डर ना मिलते। लेकिन आपके सामने यार आप खुद विजिट करके देखा करें, जो वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ या जो ट्रिक्स आपको बताता हूँ वो आप खुद विजिट करके देखा करें। मेरा तो एक तजर्बा होता है, जो मैंने देखना होता है वो मैंने आपको बता देना होता है, लेकिन फर्दर जब आप खुद डिटेल के साथ उसे स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यार मेरे पास सर्विसेज आ गई और यहाँ पे ऑर्डर्स भी मिले हुए हैं लोगों को, मतलब कि यहाँ पे ऑर्डर्स मिलते हैं और ये काम ठीक है। तो सिंपल आपने क्या करना है, जैसा आपका क्लाइंट आपको बोलेगा कि भाई मुझे नेचर के ऊपर
या फिर मुझे फ्लावर के ऊपर या फिर मुझे मून के ऊपर कुछ भी बोल दे, पोयम लिख के दो, तो भाई साहब आपने जो है वो पोयम चैट जीपीटी को बोलना, चैट जीपीटी आपको पोयम लिख के दे देगी। अब वो कितने वर्ड्स की कहता है और आप कितने वर्ड्स की उसे लिख के दे, तो ये है बाप का मैटर है। और जाहिर सी बात है अपना वो बोलेगा उतना आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप एक स्टैंडर्ड अपना सेट कर लेंगे, भाई इतने वर्ड्स की इतने पैसे मैं लूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यार आज भी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि यहाँ पे आप जो है वो चैट जीपीटी की मदद से बिल्कुल फ्री में पैसे अर्न कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के और बगैर किसी मुश्किल के। तो हम इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।